धर्मप्रेमी सज्जनवृंद एवं प्राणधारात्म संबंधी सुंदर साथ जी, हमने कल की चर्चा में सुना दो विषय थे। पहला विषय था मूर्ति पूजा और इस्लाम काल का। उसके बाद हमने सुना कि जितने भी समाज सुधारक हुए और जितने साधु संत हुए उनके जीवन पर मूर्ति पूजा से क्या प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव के आधार पर या उस प्रभाव से प्रभावित होकर के किस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा की निरर्थकता को समझकर अपने अनुयायियों को या अपने शिष्यों को अथवा समाज को मूर्ति पूजा की हानियों के विषय में बताया, जिसमें हमने गुरु नानक देव जी, कबीर जी, दादू समर्थ गुरु रामदास, ऐसे ही दक्षिण भारत के अनेक आचार्य विद्वान और उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा को सुना, और उसके बाद महात्मा गांधी जी की भी विचारधारा को हमने सुना। आज का जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है मूर्ति पूजा का मानव जीवन पर प्रभाव, अर्थात मानव जीवन पर मूर्ति पूजा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्या प्रभाव डालती है, वह प्रभाव है अथवा दुष्प्रभाव है। उस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि जीवन किसे कहते हैं, क्योंकि मानव जीवन पर प्रभाव कह रहे हैं। तो जीवन का मतलब शरीर और आत्मा का संयोग है। इसलिए जब हम मानव जीवन की बात करते हैं तो मनुष्य के जीवन की उन्नति और अवन्नति, ये दोनों, इन्हीं दोनों की उन्नति और अवन्नति पर टिके होते हैं, अर्थात निर्भर होते हैं। चाहे शारीरिक रूप से हुई हानि हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हुई हानि हो, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अब मूर्ति पूजा इसमें कहाँ तक साधक है अथवा बाधक है, उसके विषय में आज हम विचार करेंगे। धर्मप्रेमी सज्जनवृंद, परमात्मा की उपासना आत्मिक उन्नति का सर्वमान्य साधन माना जाता है। जब तक आत्मा अपनी बाह्य वृत्ति को बाहरी जगत से हटा करके अंदर की तरफ अर्थात अंतर्मुख होकर के परमात्मा के चिंतन में नहीं लगती, तब तक हम उसको उपासना, साधना या भक्ति नहीं कह सकते। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहना है तो आत्मा जब अपनी वृत्ति को बाह्य जगत से हटा करके अंतर्मुखी हो जाती है तो उसको हम उपासना कहते हैं। अंतर्मुखी होकर के जब ईश्वर की अर्थात परमात्मा की सानिध्यता का जब अनुभव होने लगता है तो उसको साधना कहा जाता है। और इस साधना के द्वारा अर्थात परमात्मा की निकटता का अनुभव करके जीव अपने विकार को समाप्त करता है, जिसको योग की भाषा में मल विक्षेप कहा जाता है। उन विकारों को समाप्त करके उसमें धीरे धीरे परमात्मा के गुण आने लगते हैं। लेकिन यदि हम परमात्मा के स्थान पर जड़ जगत अथवा जड़ मूर्ति की निकटता को ग्रहण करते हैं तो स्वभावतः जैसे चेतन का चिंतन करने से, चेतन की निकटता का अनुभव करने से हम में चेतन के गुण आ रहे थे, उसी प्रकार जड़ मूर्ति अथवा जड़ जगत का ध्यान करने से या उनकी उपासना करने से वैसे ही जड़ गुण हम में भी आना स्वाभाविक है। इसलिए एक प्रसिद्ध कहावत भी कही जाती है, कहते हैं जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हम बनेंगे। अब मूर्ति में न तो किसी भी प्रकार का ईश्वरीय गुण है और न वह ईश्वर की आकृति है, न वह परमात्मा की आकृति है।
इसलिए वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन कैसे हो सकती है। एक चेतन जीव अर्थात जो साधना कर रहा है वह जीव तो चेतन है, वह चेतन जीव इस जड़ मूर्ति से आखिर क्या पा सकता है। उसे तो अर्थात जीव को जो भी साधना करने वाले साधक हैं, जितने भी धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें तो अपने से बड़े किसी सत्ता की आवश्यकता है। जिस शक्ति या जिस काल्पनिक नाम को, जिस काल्पनिक रूप को एक मनुष्य ने बनाया, किसी साधक को उसकी आवश्यकता नहीं है। साधक को तो अपने जीव से उच्च किसी सत्ता की आवश्यकता है, जिसकी सानिध्यता में रह करके वह अपने मल को, अपनी मलिनता को, अपनी विकृति को, अपने विकार को दूर कर सकता है। ये कहा जा सकता है, लोग ये तर्क दे सकते हैं कि मूर्ति ईश्वर की नहीं सही, लेकिन उसके अवतार की तो हो सकती है। लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य है कि परमात्मा न अवतार धारण करता है और न उसे अवतार धारण करने की आवश्यकता है। ये बात तो हम पहले और दूसरे दिन की चर्चा में भी सिद्ध कर चुके हैं। यूनान में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था ज़ेनोफेनिज। उन्होंने ऐसे लोगों की मनोवृत्ति का, मनोदशा का वर्णन किया है निम्न शब्दों में। वो कहते हैं, निग्रोज इमेजिन देम एज ब्लैक विद फ्लैटेंड नोज, द थ्रेसियन विद ब्लू आइज एंड रेड हेयर्स। If oxen and horses could paint, they would represent their gods as horses and oxen. उन्होंने एक किताब लिखी, The Problems of Philosophy by Janet and Seals. उसके पेज नंबर 249 पर यह बात लिखी हुई है। इसका अर्थ है, वो कहते हैं कि निग्रो लोग अपने देवताओं को काला और चपटी नाक वाला समझते हैं। थ्रेसन के निवासी अपने देवता को नीली आंख और लाल केसों वाला समझते हैं। और वो आगे लिखते हैं कि यदि बैल और घोड़े भी अगर चित्रकारी जानते, अगर वो नक्शा बनाना चाहते, तो वह भी अपने देवताओं को बैल और घोड़े की आकृति वाला समझते। और बिल्कुल वैसी ही अवस्था इन अवतारवादियों की है। शायद दार्शनिक ज़ेनोफेनिज को शायद ये बात पता नहीं होगी कि भारत में अवतारवाद की कल्पना करने वाले जितने पौराणिक लोग हुए, उन्होंने तो ऐसी भी कल्पना कर दी है, चाहे वो हयग्रीव अर्थात घोड़े के सिर वाले के रूप में हो, चाहे वो सिंह के सिर वाले नरसिंह के रूप में हो, चाहे वो शुक्र के अवतार के रूप में हो, 12 अवतार के रूप में, चाहे वो कछुए के रूप में हो अथवा मछली के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में। उन्होंने तो ईश्वर की अवतार की सृष्टि करके उसकी कल्पना के द्वारा जो उन जानवरों की इच्छा थी उसकी पूर्ति करा दी। अगर मूर्ति पूजा वीर पूजा के रूप में सीमित होती, वीर पूजा का मतलब जैसे हमारे समाज में वीर हुए, जैसे आज जगह जगह पर, स्थान स्थान पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाई जाती है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाई जाती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा बनाई जाती है, इसी तरह से किसी वीर की मूर्ति की स्थापना करके अगर लोगों में वीरता की भावना जागृत करने के हिसाब से अगर मूर्ति पूजा हुई होती, तो इससे मनुष्य जाति का इतना अधिक अकल्याण न होता। इसे कुछ हद तक तो कल्याण ही होता, क्योंकि वो अपने महान पूर्वजों का गुणगान करते और उनके चित्र को देख करके उनको याद करते, उनकी वीरता को याद करते, तो शायद कुछ अंश में उनकी वीरता उनके अंदर आती। लेकिन उसकी उपयोगिता भी तब तक ही सीमित है। उन वीरों की मूर्ति बना करके उन पर श्रद्धा व्यक्त करना, उसकी उपयोगिता भी तब तक सीमित है जब तक कि हम उन वीरों के द्वारा, उन महापुरुषों के द्वारा बनाए गए चित्र को देख करके उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, उनके द्वारा समझाए गए रास्ते पर चलें। जैसे अगर गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो को हम देखते हैं, तो उन्होंने किस तरह से पंजाब में वहाँ के लोगों को एकत्रित किया, एकजुट किया, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी
या फिर बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल जी अथवा अन्य महापुरुषों को देख करके, चाहे महाराणा प्रताप को देख करके, उनके तस्वीर को या उनकी मूर्ति को देख करके, अगर उन पर हम फूल की माला भी चढ़ाते हैं और ये सोचते हुए चढ़ाते हैं कि इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान किया, तब तो कुछ हद तक ठीक है कि देशभक्ति की भावना हम में बनी रहती। लेकिन ऐसे महापुरुषों को ईश्वर मान करके और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद चेतन सत्ता समझना और स्तुति अथवा प्रार्थना के द्वारा उनसे रक्षा अथवा सहायता की भीख मांगना या उसकी आशा करना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और हिंदुओं में, पौराणिक हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा की विधि है, ये निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि वे मूर्ति को एक चेतन सत्ता समझते हैं। ये तो हो सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति बना करके उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम समझा जाए। उन्होंने जो मूर्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति बना करके उन्होंने जो राह दिखाई, उन्होंने जो मर्यादा निभाई, चाहे वो एक भाई का दूसरे भाई के प्रति हो, चाहे वो एक राजा का प्रजा के प्रति हो, चाहे वो माता पिता के प्रति पुत्र का हो, हर तरह से उन्होंने प्रयास किया कि मैं हर प्रकार की मर्यादा को निभाऊं। तो उस मर्यादा का अगर हम ध्यान रख रहे हैं राम की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हुए, तब तो कुछ हद तक बात बन सकती है। लेकिन वो भी तब तक जब तक राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम समझेंगे और उन्हें महापुरुष समझेंगे। अगर उनकी एक मूर्ति की कल्पना करके उन्हें ही परमात्मा समझें, उन्हें ही मोक्ष प्राप्ति का साधन समझें, तो वहाँ पर हम गलत होंगे। यही अवस्था अन्य सभी महापुरुषों की है, चाहे वो योगीराज शिव हो। शिव एक योगी हैं, उनकी मूर्ति की हमने न जाने कैसी कल्पना कर दी और अपने स्वार्थ की पूर्ति में उनके नाम से ऐसे पुराण लिखे हमने और उन पुराणों में ऐसी अश्लीलता फैलाई कि आज कोई भी पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंतिम तक अगर शिवजी के नाम पर बने हुए पुराण और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु और शिव की कथा को पढ़ करके कोई भी हिंदू ये नहीं कह सकता कि ये ईश्वर का अवतार अथवा ईश्वर का रूप कहलाने वाले व्यक्तियों की ऐसी रहनी या ऐसा आचरण हो सकता है। पुराणों में जितनी निंदा की गई है शिव जी की या फिर कृष्ण जी की या विष्णु भगवान की या ब्रह्मा जी की या फिर इंद्र की, जिनको एक तरफ तो देवी देवता कह रहे हैं और जिनकी लीला को, जिनके कार्यों को ऐसा नीच कार्य बना करके उन स्वार्थी पौराणिकों ने प्रस्तुत किया कि कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति उन्हें पढ़ करके ये नहीं कह सकता कि ये देवता कहलाने लायक हैं। चाहे वो इंद्र के द्वारा अहिल्या के सतीत्व खंडन का हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रसंग हो, ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, विष्णु के शालिग्राम के रूप में पूजा क्यों होती है, अगर इसकी कहानी को आप जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो सोचेंगे कि ये तो ईश्वर का कृत्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज का पढ़ा लिखा वर्ग, आज के पढ़े लिखे लोग हिंदूवाद को छोड़ करके, वैदिक हिंदू धर्म को छोड़ करके, क्योंकि वैदिक हिंदू धर्म को वैसे तो उन्होंने कभी पकड़ा ही नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि वास्तव में वैदिक धर्म क्या है, इसीलिए वह दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। कोई इस्लाम स्वीकार कर रहा है, कोई ईसाई मत स्वीकार कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमने पुराणों में उन देवी देवताओं की, जिनकी एक तरफ तो पूजा करते हैं, उनका रूप ऐसा दिखाया, उनकी हरकत ऐसी दिखाई, उनकी लीला ऐसी दिखाई कि कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग ये कह नहीं सकता कि ये ईश्वर की लीला है। मंदिरों में मूर्ति स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो भी हमें इसी परिणाम तक पहुँचाती है। परिणाम स्वरूप हिंदुओं का ये विश्वास था कि मूर्तियां उनकी रक्षा और सहायता करने की जहां सामर्थ्य रखती है, वहीं उनका अनिष्ट भी कर सकती है। लोगों को ये कहकर डराया जाता रहा कि मूर्तियां उनका अनिष्ट कर सकती है। अगर अनिष्ट करना होता तो जिस मोहम्मद बिन कासिम ने, जिस मोहम्मद गोरी ने या फिर औरंगजेब जैसे आतताई ने, तैमूर लंग ने जब अनेकों मूर्तियों को तोड़ा, अनेकों मंदिरों को तोड़ा, तो उनका अनिष्ट क्यों नहीं किया।
इस प्रकार हिंदुओं की मूर्तियों ने सर्वांश में ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लिया था। अर्थात जिस परमात्मा को हम ध्यान साधना के द्वारा पा सकते हैं, उसको लोगों ने केवल मूर्तियों में ढूंढना शुरू किया। मूर्ति पूजा और ध्यान साधना के विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग विषय रखेंगे, लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है कि मूर्ति पूजा का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है। आज भी चाहे शिक्षित समुदाय इस प्रकार का विश्वास न रखे, लेकिन अधिकतम हिंदू जो कि निम्न श्रेणी के अर्थात अशिक्षित हैं, उनका तो यही विश्वास और यही भावना है उनकी कि मूर्तियाँ उनकी रक्षा कर सकती है और अगर हमने कुछ बुरा किया तो उनका अनिष्ट भी कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद एक हफ्ता या 10 दिन हुआ होगा, मेरे पास एक बहन जी ने मैसेज किया। वो पूछती हैं कि भैया क्या कुल देवता छोटे छोटे सर्पों के रूप में आते हैं क्या? मैं उनका नाम नहीं लूँगा, केवल उदाहरण में दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या छोटे छोटे सर्पों के रूप में कुल देवता आ सकते हैं? मैंने पूछा क्या बात हो गई बहन? तो वो कहती हैं कि मेरे घर में मेरी माँ या मेरी सास ये कह रही हैं कि तुमने घर में जो मूर्तियाँ रखी थी कुल देवी या कुल देवता की, उनकी पूजा करना छोड़ दिया, इसीलिए ये तुम्हें डराने के लिए सांप के रूप में आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ये जवाब देना, अगली बार अगर कभी भी उनसे बात हो तो आप उन्हें कहना कि पहली बात ये मौसम चल रहा है ऐसा, बारिश के बाद लगभग हर जगह पर छोटे छोटे सांप दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बारिश भर से बिल उनके भर जाते हैं, तो छोटे छोटे सांपों को कोई जगह नहीं मिलती तो वो घरों में आ जाते हैं। ये कारण था उसका। लेकिन मान लीजिए अगर उनके ही न्याय से, अभ्युपगम न्याय से उनके कथन को थोड़ी देर के लिए सही मान लिया जाए, तो कुल देवता को अगर उस बहन को डराना होता, मूर्ति उन्होंने पूजी नहीं थी इस वजह से उन्हें डराना होता, तो छोटे छोटे सांप के रूप में क्यों आते? उनको तो डर नहीं लगा था, वो कम से कम अजगर का रूप धारण करके आना चाहिए था, कम से कम कोबरा का रूप धारण करके आते, ऐसे जहरीले सांप का रूप धारण करके आते तो ये कह सकते थे कि हाँ वो डराने के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पूजा करना तो उस बहन ने बंद किया था, मूर्तियों की पूजा तो उस बहन ने बंद की थी, तो उसको डराना चाहिए था, जबकि जो पूज रहे उनकी सास या उनकी माँ जी पूज रही हैं उनको, तो डर उनको लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे उस उत्तर से वो संतुष्ट हो गई। तो जितने अशिक्षित समाज हैं वो यही सोचते हैं कि मूर्ति पूजा हमें लाभ भी दे सकती है और हमारा अनिष्ट भी कर सकती है। मैंने 2 या 3 दिन पहले की चर्चा में भी कहा था कि विदेशों में जहाँ की कोई भी मूर्तियों की पूजा नहीं करता है, या तो वहाँ के लोग नास्तिक होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो उपासना करने भी वाले हैं भले ही उनका तरीका पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन वो किसी भी मूर्ति की पूजा को अपनी आय का, अपनी अर्थोपार्जन का साधन नहीं मानते। वो मानते हैं कि हम अगर अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे तो हम अपने कर्मों से होंगे। अगर हमने परिश्रम किया, वो भी सही ढंग से, परिश्रम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति है जिसकी बुद्धि नहीं चलती लेकिन दिन भर वो फावड़ा चलाता रहता है, दिन भर वो गैती चलाता रहता है, तो मैं उस परिश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्धिपूर्वक किया गया जो परिश्रम है, ऐसा परिश्रम सार्थक होकर के हमें धन दे सकता है, ऐसा जो लोग सोचते हैं वे धनी होते हैं, वे अमीर होते हैं। आज जितने भी अमीर देश हैं उन अमीर देशों की गणना में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप के अन्य देश हो, या फिर गल्फ देश हो, अरब के तरफ के देश, उनमें कहीं भी किसी भी धन के देवी या देवता की पूजा नहीं होती, ज्ञान के देवी देवता की पूजा नहीं होती है, शक्ति बल की देवी देवता की पूजा नहीं होती, लेकिन आज भारतवर्ष से कई गुना शक्तिशाली वो देश हैं, चाहे वो सैन्य बल में हो, चाहे वो धन बल में हो, चाहे वो बौद्धिक दृष्टि से हो। अगर किसी रूप में भारत का नाम जीवित है तो वह भारत की आध्यात्मिक उन्नति के कारण था। भारत किसी क्षेत्र में अगर सिरमौर था कभी, तो वह था अपनी आध्यात्मिक उन्नति में, और उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहर से लोग आया करते थे। फाइयान या वेनसांग ये भ्रमण करने के लिए वो टूर पर नहीं आए थे, वो धर्म के खोज के लिए आए थे। इसी तरह से
विदेशों से आज भी लोग आते हैं, जिन जिन जगहों को, जिन जिन स्थानों को हम तीर्थ स्थल कहते हैं, ऐसे जगह पर आज भी वो लोग आते हैं, मिलते हैं। बेचारे अज्ञानी हैं और उनको थोड़ा सा कोई ज्ञानी मिल जाता है, थोड़ी सी कोई बात बता देता है, बेचारों को पता है कि भारतवर्ष योग की भूमि है, तो यहाँ योग साधना के लिए आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये तो लोग मंदिर के मूर्तियों के आगे नाच रहे हैं, वो भी नाचते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हम किस वजह से नाच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम पार्टियों में भी नाचते हैं, कहीं पर भी नाचते हैं, तो यहाँ भी नाच रहे हैं। शरीर का व्यायाम हो रहा है और उसके बाद में थोड़ी देर बैठते हैं आँख बंद करके, तो मन रिलैक्स हो रहा है, इस वजह से वो मंदिरों में जाते हैं। जबकि भारतवर्ष अगर किसी स्थान में या किसी क्षेत्र में सिरमौर रहा है तो वो योग साधना में रहा है। इसके विषय में तो हम अलग से चर्चा करेंगे, जो योग साधना का विषय आएगा। आगे कह रहे हैं कि वो जो उपर्युक्त विश्वास था कि मूर्ति पूजा हमें रक्षा भी कर सकती है और अनिष्ट भी कर सकती है, ये जो धारणा है वो सर्वथा कपोल कल्पित है। और ये जो युक्ति है मूर्ति पूजा के विरुद्ध अनेक प्रकार के आक्षेप खड़ी करती है। और इस विश्वास ने हिंदू जाति का कितना अनिष्ट किया है उसका वर्णन नहीं कर सकते। मुस्लिम काल के 1000 वर्ष की हमारी जो दुर्दशा है और हमारी जो पराधीनता है वह उसी विश्वास का कुपरिणाम है। जब तक हिंदू जाति के अंदर यह विश्वास है कि मूर्ति हमारी रक्षा कर सकती है या फिर हमारा अनिष्ट कर सकती है, तब तक वह किसी भी प्रकार से, चाहे वह राष्ट्रीय मुक्ति हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक मुक्ति हो, वह प्राप्त नहीं कर सकती। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा से राष्ट्र निर्माण पे क्या फ़र्क पड़ सकता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, वे भूल कर रहे हैं। मैंने कल की चर्चा में भी उदाहरण दिया था कि राष्ट्र निर्माण में ये किस तरह से योगदान दे सकते हैं या फिर किस तरह से राष्ट्र को रसातल तक ले जा सकते हैं। मैंने एक मंदिर का उदाहरण दिया, सबरीमाला का। वहाँ लगभग 1200 करोड़ प्रतिवर्ष की आय है। अगर एक शैक्षणिक संस्थान में अगर 2 करोड़ का खर्च किया जाता तो ऐसे ऐसे 600 शैक्षिक संस्थान, विद्यालय, गुरुकुल या फिर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की स्थापना होती। और केवल एक मंदिर का मैंने आंकड़ा दिया था, ऐसे हजारों मंदिर भारत में हैं, तो क्या उससे भारत की उन्नति नहीं हो सकती? जहां लोग भिक्षा मांगने को मजबूर हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मंदिरों में जो अकूत धन पड़ा है, अगर उसको भी भारत के विकास में लगा दिया जाए या फिर भारत की प्रत्येक जनता को अगर बराबर हिस्से में बांट दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, इतना अकूत धन भारतवर्ष में पड़ा हुआ है। वो भी तब जब मुस्लिम काल में मोहम्मद बिन कासिम और गोरी जैसे लोग अकूत धन को ले गए, उसके बाद में भी इतना धन भारत में पड़ा हुआ है। तभी तो भारतवर्ष को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश एक समय ऐसा आया कि वो चिड़िया पिंजड़े में बंद हो गई और उस सोने की चिड़िया को जिसने जैसे चाहा नोच लिया, लेकिन अब भी वो चिड़िया समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए बाहर उड़ने के पिंजड़े के वो द्वार खुले हैं, लेकिन वो उड़ करके बाहर निकलना नहीं चाहती, वो उस पिंजड़े को ही अपना सर्वस्व समझ रही है। धार्मिक विश्वास जो कि हमारा व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करता है, और सामूहिक व्यक्तिगत जीवन अर्थात व्यक्तिगत लोगों का जो समूह है वो किसी समाज को ऊंचा उठाता है और समाज मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए धार्मिक विश्वास की अवहेलना करके राष्ट्र निर्माण का सपना देखना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी देश बनता है वह एकता के कारण बनता है और यहाँ अनेकता के विभिन्न कारण दिखते हैं। भारतवर्ष में अनेकता के तो विभिन्न कारण दिखते हैं, लेकिन एकता का कारण कोई नहीं दिखता। अनेकता के लिए तो अनेक जातियाँ बनाई गई, अनेक वर्ग बनाए गए, भाषाओं की अनेकता हो गई, स्त्री और पुरुष के नाम पे भेदभाव हुआ, संप्रदाय के नाम पे भेदभाव हुआ,
काल्पनिक देवी देवता या अवतार के नाम पर भेदभाव हुआ, ग्रंथों के नाम पर भेदभाव हुआ, तो यहाँ सिर्फ अनेकता ही अनेकता थी। ये दूसरे दिन की चर्चा में मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा कि भारतवर्ष उस समय में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, धर्म के नाम पर बटा हुआ था, जाति के नाम पर बटा हुआ था, जबकि पूरा अरब देश में, आज का अरब, कतार, दुबई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्किस्तान इत्यादि सभी देश उस समय में एक ईश्वर, ईश्वर की एक किताब कुरान और एक पैगंबर, एक रसूल, उनके नाम पर इकट्ठे थे, जबकि भारत तो बटा हुआ था। अगर भारतवर्ष को आज कोई एक कारण एकता दे सकती है तो वह है धार्मिक कारण, क्योंकि दूसरे तो ऐसे कोई कारण नजर नहीं आते जिससे कि लोग इकट्ठे हो सके, लेकिन धर्म या धार्मिक भावनाएं ही ऐसी भावनाएं हैं जो कि भारतवर्ष के लोगों को एकत्रित कर सकती है। लेकिन जब तक एक चेतन परमात्मा के विषय में सब लोग नहीं पहचानेंगे, तब तक अनेकता में बटे रहेंगे। धार्मिक विश्वास के कारण ही, मैंने पहले ही कहा, अरब, तुर्क, मुगल जैसे मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाले बर्बर जाति को थोड़े समय में ही एक झंडे के नीचे ला दिया। वो लोग सुसंगठित हो गए और यहाँ जो अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास ने यहाँ की जो आर्य जाति थी, यहाँ की जो श्रेष्ठ जाति थी, जो कि आज भी अपने ब्रह्मवाद के लिए प्रसिद्ध है, वो विभिन्न संप्रदाय, जाति और उपजाति में बट करके आज इस दुरावस्था में है। राजा दाहिर का जो पराजय है वो उसी अंधविश्वास का तो फल था। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ की लूट की उसका भी कारण यही था। राजपूत सैनिकों का विश्वास था कि सोमनाथ उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर टूट गई उन्होंने अपनी पराजय निश्चित समझ ली और अपना सारा साहस खो बैठे। अब जिसका ईश्वर ही पराजित हो जाए, जिसका काल्पनिक ईश्वर ही पराजित हो जाए, फिर उनके भक्तों की रक्षा कैसे संभव थी। इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उनकी हार हो गई। अब उसके बाद उनका जो रहा सहा साहस है, वह भी कोका जैसे देशद्रोही जो कि फलित ज्योतिष करने वाले थे, जिन जैसे लोगों की आज भी कमी नहीं है, उन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी। मोहम्मद गोरी, तैमूर, नादिर शाह ने जो निरंतर इस देश पर आक्रमण किया, उस आक्रमण के पीछे भी यही विश्वास काम कर रहा था कि यहाँ के लोग तो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, यहाँ के लोग कभी एक नहीं हो सकते। सृष्टि का ये नियम है कि चींटी जैसा छोटा प्राणी भी प्रतिक्रिया करता है, उसको भी आप उसके क्षमता से अधिक अगर दबाव देंगे तो वो भी काटेगा। लेकिन हिंदू लाखों की संख्या में होकर के भी, करोड़ों की संख्या में होकर के भी दास बने और दूर देश स्थित गजनी नाम के स्थान में चले गए। वहां जाकर के भेड़ बकरी की तरह बेचे गए। तैमूर के एक सैनिक के पास इतने हिंदू बंद थे कि उनका प्रबंध भी असंभव हो गया। खाने की सामग्री इतनी थी नहीं, इसलिए उनको ही गाजर मूली की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जबकि वो इतनी बड़ी संख्या में थे और इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी कुछ न कर सके। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि उनकी मानसिक अवस्था उस समय कीड़े मकोड़ों से भी गई गुजरी हो गई थी? उनकी दुखद जो गाथा है, जिनका वर्णन हम सुन चुके हैं, दोबारा उसको हम नहीं कहते। बस मैं इससे यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति का या किसी भी मनुष्य का उत्थान और पतन, उसमें धार्मिक विश्वास एक कारण होता है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सृष्टि में हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अपने अपने कार्य और भाग के अनुसार एक दूसरे से किसी न किसी भाग में भिन्न होता है। इसलिए एक अंग्रेजी भाषा में कहावत कही जाती है, एवरीवन इज यूनिक इन द वर्ल्ड। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। भले ही यह कहा जाता हो कि पूरे विश्व में 7 या 8 ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, शक्ल भले ही पूरी तरह से मिले,
और एक वैज्ञानिक गणना आई थी कि लगभग 3 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ ट्विन्स में से, ट्विन्स समझते हैं, जुड़वा कहते हैं, और एक होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है जैसे जुड़वा बच्चे, 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब जहां 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। तो लगभग 3 करोड़ ट्रिपलेट्स में से एक ऐसा होता है जिनका डीएनए का जो डीएनए की जो बनावट है वो भी आपस में मिलती है। लेकिन इतना होने के बावजूद मनुष्य अपने गुण कर्म के अनुसार किसी न किसी अंश में वह दूसरे से भिन्न होता है। इन्हीं नियमों का जो, इन्हीं विभिन्नता को एक करने के लिए समाज में कुछ नियमों की जरूरत होती है। अर्थात मनुष्य में जो विभिन्नता है किसी न किसी प्रकार से, उस विभिन्नता को दूर करने के लिए समाज में कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों को हम दूसरे शब्दों में धर्म कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए एक परमात्मा का जो सिद्धांत है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धर्म। लेकिन जब मनुष्य अपनी उच्छृंखलता के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी रुचि के कारण और अपने स्वार्थ के कारण अनेक ईश्वर की, अनेक देवताओं की कल्पना कर ले, अनेक प्रकार के संप्रदाय की कल्पना कर ले और धर्म ग्रंथों की सृष्टि करने लग जाए, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों की, तो मनुष्य समाज अनेक भागों में बंट जाता है और बंट करके सांसारिक कलह का कारण बनता है। संसार के इतिहास में ईश्वर और धर्म के नाम पर होने वाला अन्याय और उसके आधार पर होने वाले अत्याचार इसी बात के साक्षी हैं। यूरोप में एक समय में यहूदियों को जो मारा जाता रहा, जर्मन में जो उनका नरसंहार हुआ, या फिर अफगानिस्तान इत्यादि देशों में जो बौद्धिस्ट मारे गए, या भारतवर्ष में जो लाखों हिंदू मारे गए, इसका भी कारण यही है। और ये सभी घटनाएं उस अत्याचार की साक्षी है। और शायद आज का ईश्वर और धर्म विरोधी जो समाज है, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वो भी इसी कलह का, सांप्रदायिक कलह का ही दुष्परिणाम है। जितने कापालिक हुए, कापालिक जो होते हैं वो अपने हिसाब से शिव जी की कल्पना करते हैं, मांस मदिरा प्रेमी ने अपनी रुचि के अनुसार शक्ति की कल्पना कर डाली, रसिक स्वभाव के लोगों ने विष्णु जी और उनके किसी न किसी अवतार को जन्म दिया और कृष्ण जी के नाम से भी ऐसी ऐसी लीलाओं की रचना कर डाली। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर अपने अपने उपास्य देव की प्रशंसा में अनेक ग्रंथ लिख डाले जो कि आज पुराण के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनकी मूर्ति रचना भी उनकी रुचि के हिसाब से ही है। शैवों का शिवलिंग कह लें, चाहे शाक्त लोगों का काली की मूर्ति समझ लें, चाहे वो वैष्णवों के रसिक कृष्ण जी की अलग अलग प्रकार की मूर्ति हो, ये सभी उसी की प्रतिछाया है। और उन मूर्तियों का उनके पूजा करने वाले उपासकों के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप स्वयं सोच सकते हैं।